कश्मीर की बात करते हो? मैं लाल किला की बात करता हूँ, श्रीनगर है ये बात। मैं लाल किला की बात करता हूँ। तुम्हें बहुत शौक है ना, तुम्हें बहुत शौक है ना आरएसएस की थियोलॉजी को आगे बढ़ाने का। तुमने दुनिया में हिंदुस्तान का चेहरा काला करके दिखा दिया, बता दिया कि हिंदुस्तान असल में क्या है। जो तुम्हारे पुरखों की एक रिवायत थी, जो उन्होंने एक फार्स कायम किया था, हकीकत में वो भी दो नंबर थे, लेकिन उन्होंने जो फार्स पैदा किया था, जो इतने काब चढ़ाया था, जो उस जमाने के सिर्फ एक मर्द होर को नजर आया जिसका नाम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना था, आज वो लोग जो कायद आजम को काफिर आजम कहते नहीं थकते थे, जो दो कौमी नजरे का मजाक उड़ाते थे, जो शुड बॉयज ऑफ कांग्रेस थे, जो मुसलमान होते हुए कांग्रेस की गोद में बैठ के दूध पीते थे, आज वो भी कहने में मजबूर हो गए कि वाह मोहम्मद अली जिन्ना, तुमने 100 साल पहले वो जांच लिया जो आज हमें नजर आया। तो इसका मैं शुक्रिया है कि तुम कश्मीर की बात करते हो, मैं श्रीनगर की मुकदमा लाल किला की बात करता हूं। और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कश्मीरी बच्चे बच्चियों से ये कहना चाहता हूं कि वो प्लेबिसाइट जिसका वादा आपसे हिंदुस्तान के लीडर्स ने और आलमी ताकतों ने किया था, वो आलमी ताकतों ने तो पूरा नहीं किया, लेकिन बुरहान मुजफ्फरबादी तुम, हमें फख्र है तुम पे, बल्कि हमें उस माँ बाप पे फख्र है जिससे बुरहान मुजफ्फरबादी आपने जन्म लिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने आज दुनिया को बता दिया कि द प्लेबिसाइट विच द वर्ल्ड प्लेज्ड and the world as a whole, especially United Nations, they failed the people of Kashmir. They promised that they will give them the plebiscite. They failed the people of Kashmir, and the Kashmiris decided that if they're not going to get a paper and a ballot box to exercise their right of self-determination, they will exercise their right with their bodies. Their body, the bodies of the martyrs are those papers, those ballot papers with their putting their seed in the name of Pakistan, and when they wrap themselves in the flag of Pakistan and put themselves in graves, willingly they decide to the world that this is the purpose to grow on country of the world. 75 years ago, the world has failed, but the people of Kashmir and the youth have not failed the sacrifices of their forefathers, especially across the line of control. The base camp where we are now, aapse chand saal pehle मुझे मौका मिला मुजफ्फरबाद आने का। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नौजवानों ने मुझे बुलाया, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के उन बच्चों ने, और आज और उसके बाद कश्मीर से मेरा एक सिलसिला जुड़ा, जिस्मानी तौर पे भी रूहानी पहले से ही दिल में था, लेकिन जब खुद आए महसूस किया, मुझे नहीं पता वो कौन सी ताकत थी जो हमें कश्मीर खींच के लाती थी, कभी रावला कोट कभी बाघ, अभी हाल ही में मीरपुर जब वहां जलजला आया। और यहां भी जब कभी आप पे दुख होता है, मैं कश्मीरियों के कहना चाहता हूं कि आप आज इस वक्त प्रेजेंट हाउस में सरदार साहब सदर मुमलिकत आजाद जम्मू कश्मीर की मौजूदगी में, यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि आज यहां अगर लाहौर से ये बच्चे आए हैं, अगर फैसलाबाद से आए हैं, अगर क्वेटा यूनिवर्सिटी से आए हैं, अगर यहां पर गिलगित बल्तिस्तान केपीके से आए हैं, अगर इस्लामाबाद से आए हैं, लाहौर से आए हैं, दिस इज द मैसेज कि पूरे पाकिस्तान का दिल कश्मीरों के साथ धड़कता है और फिर धड़कता नहीं है। हम उनको कह जाते हैं, मैं आपको नारा लगाऊंगा, आपने आपने लाया कहना कश्मीर।